नहीं तो एक बात है नीलेश जी, ये बात तो हो चुकी है ऑलरेडी कोर्ट में। सहारा की बहुत ही प्रीशियस प्रॉपर्टी है 10,600 एकड़ का, 10,600 एकड़ का, जहां आप बैठे हैं वहां से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर लोनावाला में, लोखंडवाला में, लोखंडवाला या लोनावाला में जहां भी हो, वहां पे एमबी वैली है 10,600 एकड़ में। उसकी चाबी सेबी को सुपुर्द की गई, उसको कहा गया कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कीजिए। वो अकेले प्रॉपर्टी लाखों करोड़ का था और उससे जो पैसे आते वो इन्वेस्टर को दे देने थे, सेबी ये काम नहीं कर सकी 12 वर्ष में। आखिर में वो चाबी लौटा दी, फिर क्या होगा इसका, क्या सेबी सेबी के ऊपर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? अन्य पांडे सुनो ना, अभी सेबी क्या नहीं कर पाई एक अलग विषय है, उस पर भी तो होना। लेकिन सहारा की तरफ से भी लोगों ने, उनके जिम्मेदार अधिकारी ने, उन्होंने भी तो अर्जी देना देनी, ठीक है वो नहीं लौटा सकते तो उसका ओपन ऑक्शन रखो या तो हम बेच के देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करते ना तो उस समय, मतलब देखिए हमको भी काम करना पड़ेगा यार। मतलब अगर मैं उनका वकील हूं तो ये मेरा भी जिम्मेदारी है कि मैं जाकर कोर्ट को बताऊं साहब ये नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन लो। निवेशक भी ऐसा मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अगर 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 सुब्रत रॉय का, क्या ये भी हो सकता है कि सुब्रत रॉय का इंटेंशन ही नहीं है निवेशकों का पैसा देना? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर इस इंटेंशन का देखिए सब होना चाहिए, मैं इसी प्रिंसिपल पे मैं काम करना पसंद करता हूँ। डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। कौन गलत है ये मत देखो, क्या गलत है ये देखो। तो अभी सुब्रत रॉय सारा सही है या गलत है ये मुझे आज वो मटी लॉन्ड्रिंग रिकॉर्ड पे मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मान के चलो वो गलत है ना, तब भी उन्होंने जो प्रॉपर्टी दे दी है तो मेरे हिसाब से अगर आप जो कह रहे हो सही है तो पहले सबसे पहले एक्ट ऑफ ओमिशन या कैजुअल अप्रोच के लिए सेबी जिम्मेदार है, सेबी पर भी एक्शन होना चाहिए एंड सेबी शुड कॉम्पेंसेट। इस केस में ना करे लेकिन सेबी शुड कॉम्पेंसेट हिम इन द केस ऑफ हेल्पिंग एंड मींस ज्वाइनिंग हैंड इन अनलॉफुल डिटेंशन, क्योंकि वो जजमेंट जो हुआ था जो इनको जेल में भेजा गया था उस जजमेंट को जब रिकॉल करने के राम जेठमलानी साहब और राजीव धवन साहब ने पिटीशन लगाया, वो पिटीशन को सेबी ने अपोज किया, उनके तरफ से सीनियर काउंसिल थे उन्होंने अपोज किया, तो वो भी जिम्मेदार है अनलॉफुल डिटेंशन के लिए। यूनियन ऑफ इंडिया के वकील भी थे, उन्होंने भी पिटीशन का अपोज किया था। तो ये उनका जो उनको छोड़ने की मांग की गई थी उसको अपोज किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी, तो वो भी जिम्मेदार है इसमें कॉम्पेंसेशन देने के। अब मैं वो आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जो सवाल कोई रास्ता इनमें से किसी को नहीं देगा और इसका जवाब आना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे नीलेश जी ये पूछूं